स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल iTexs हेल्पलाइन पर। और इससे पहले हमने GST के अंदर ऑफेंस और पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन वाला चैप्टर किया, जिसकी 4 वीडियो हमने निकाली। आपके जो क्वेरीज आई मैंने कोशिश की उन सब का सोल्यूशन हो सके। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 18, जो सेक्शन 107 से 121 फॉल करते हैं, जिसमें और वो रिलेट करता है अपील्स एंड रिव्यू मैकेनिज्म अंडर जीएसटी। तो जब हम अपील की बात करते हैं तो वो फर्स्ट कमिश्नर अपील से लेके सुप्रीम कोर्ट तक की, एंड देन रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स की भी साथ के साथ इसी चैप्टर में इन्हीं सेक्शंस में डिस्कशन है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है वो कमिश्नर अपील है। कमिश्नर जीएसटी अपील जो सीजीएसटी में भी हो सकता है, एसजीएसटी में या यूटी जीएसटी में भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी जुडिक्शन कौन सी है। तो आपको अगर कोई भी ऑर्डर रिसीव हुआ है और आप उस ऑर्डर से सहमत नहीं हैं तो आप उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्डर्स हैं जिनके अगेंस्ट अपील फाइलिंग पॉसिबल नहीं है। वो कौन कौन से ऑर्डर्स हैं? सबसे पहले तो चेंज इन जुडिक्शन का। अगर कमिश्नर ने और किसी अदर अथॉरिटी ने एक केस एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर को ट्रांसफ़र किया है तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। दूसरा, सीजर और रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स और अदर डॉक्यूमेंट्स का। तीसरा, प्रोसिक्यूशन अगर आपका सैंक्शन हो गया है तो उसके अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते। आप सिविल कोर्ट में अपील कर सकते हैं लेकिन जीएसटी में अपील का मैकेनिज्म उसमें नहीं है। एंड देन सेक्शन 80 जो इंस्टॉलमेंट में टैक्स की पेमेंट की बात करता है। सेक्शन 80 में टैक्स पेयर जाता है, कमिश्नर को बोलता है कि मैं इंस्टॉलमेंट में कैश टैक्स पे करने को तैयार हूँ, और कमिश्नर एक्सेप्ट कर लेता है उसको, सेक्शन 80 में ऑर्डर पास करता है, तो उसकी भी अपील पॉसिबल नहीं है दोस्तों। दोस्तों आपको इन 4 सिचुएशन के अलावा कोई भी ऑर्डर रिसीव हुआ जीएसटी में और आपके पास 3 महीने का टाइम होता है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर से, उसके अगेंस्ट अपील फाइल करने का। और साथ ही साथ कमिश्नर अपील के पास 30 डेज तक का कंडोनेशन ऑफ डिले एक्सेप्ट करने का पावर होता है। सो एज पर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, अपीलेट अथॉरिटी फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, दे हियर द अपील, दे अलाउ द रीजनेबल एडजोनमेंट्स बट नॉट मोर देन 3, परमिट एडिशनल ग्राउंड्स, एंड देन दे यूज टू डू द इंक्वायरी इफ रिक्वायर्ड। इसके बाद दोस्तों कमिश्नर अपील क्या करता है? कमिश्नर अपील स्पीकिंग ऑर्डर पास करता है, बट कमिश्नर अपील in GST cannot refer back the case to proper officer. Means the appellate authority will pass his order which may confirm the order, which can modify the order, which may annul the decision or order appealed against, but shall not refer the case back to the authority that passed the said decision or order. So दोस्तों case remand back वापस करने का प्रावधान GST law में कमिश्नर की अपील के पास नहीं है। He can accept the order, he can reject the order, or he can modify the order to the extent he have accepted the plea of appellant. So दोस्तों कमिश्नर अपील जो है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो ऑर्डर मिला है वो किस मोड में मिला है। अगर आपको ऑफलाइन मोड में ऑर्डर मिला है, ऑफलाइन मोड मतलब नॉन कंप्यूटराइज्ड ऑर्डर, मीन्स जो GSTN के पोर्टल से जनरेट नहीं हुआ है। अगर GSTN के पोर्टल से जनरेट नहीं हुआ ऑर्डर आपको मिला है तो ऑफलाइन अपील लगेगी आपकी, और अगर GSTN के पोर्टल से जनरेट हुआ ऑर्डर आपको मिला है तो वो GSTN के ऊपर ही ऑनलाइन आपकी अपील फाइल होगी। आप ऑनलाइन अपील फाइल करेंगे। ऑनलाइन अपील फाइल करने के बाद पेपर्स फिजिकली कमिश्नर अपील के ऑफिस में डिपॉजिट करवाएंगे। देन हियरिंग होगी। हियरिंग में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड और डॉक्यूमेंट सबमिशन करने का आपको मौका मिलेगा। और उसके बाद कमिश्नर अपील अपनी इंक्वायरीज करेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा और उसके बाद एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करेगा। ही कैन एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी, ही कैन रिवर्स द ऑर्डर, ही कैन मॉडिफाई देयर ऑर्डर, बट ही कैन नॉट रिमांड बैक द केस फर्दर इफ द अपीलेंट अथॉरिटी मीन्स कमिश्नर अपील फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट एनी टैक्स हैज़ नॉट बीन पेड और शॉर्ट पेड और एनस्टली रिफंडेड or where input tax credit has been wrongly availed or utilized, no order requiring the appellant to pay such tax or input tax credit shall be passed unless the appellant is given a notice to show cause against the proposed order and the order is passed within the time limit specified under section 73 and 74. So, अगर कमिश्नर अपील को ऐसा लगता है कि कुछ टैक्स पे नहीं हुआ है या कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी पे नहीं हुई है, तो वो सेक्शन 374 के हिसाब से जो है नोटिस इशू करेंगे और फिर उसी की टाइमलाइंस के अकॉर्डिंग ऑर्डर भी पास करेंगे. सो दोस्तों, order in appeal has to be a speaking order. It should state the points of determination, the decision taken and the reasons for the decision. The law provides an advisory time limit of 1 year from the date of filing of appeal for the appellate authority to decide the appeal. So, जो time limitation है appeal close करने की वो 1 साल है from the date of filing the appeal. So, दोस्तों ये था commissioner appeal first level of appellate authority. अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड लेवल ऑफ अपीलेट अथॉरिटी जो है अपील बिफोर द जीएसटी ट्रिब्यूनल. सो अपील टू द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल इज द सेकेंड लेवल ऑफ अपील. ट्रिब्यूनल में जो है जीएसटी में जो दोस्तों दो तरीके की ट्रिब्यूनल बनी है. पहली ट्रिब्यूनल जो नेशनल ट्रिब्यूनल है और दूसरी ट्रिब्यूनल विच इज स्टेट बेंच. सो जो नेशनल बेंच और रीजनल बेंच है दोस्तों वो किस तरीके के मैटर सुनेंगे और स्टेट बेंच और एरिया बेंच वो किस तरीके के मैटर सुनेंगे, लेट्स सी. तो सबसे पहले तो जीएसटी में दो तरीके की ट्रिब्यूनल बनी है, एक नेशनल बेंच और ओब्लिक रीजनल बेंच और दूसरा स्टेट बेंच ओब्लिक एरिया बेंच. सो जो नेशनल बेंच है दोस्तों वो सुनेगी प्लेस ऑफ सप्लाई रिलेटेड इशू. अगर प्लेस ऑफ सप्लाई रिलेटेड इशू है तो वो डायरेक्ट नेशनल बेंच के पास जाएगा. अगर अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई रिलेटेड इशू है तो वो स्टेट बेंच ओब्लिक रीजनल बेंच के पास जाएगा. और नेशनल बेंच का ऑर्डर जो है उसके अगेंस्ट अपील डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में लगेगी और जो रीजनल और स्टेट बेंच है उसके अगेंस्ट अपील हाई कोर्ट में लगेगी डिपेंडिंग अपॉन द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ. अगर सब्सटेंशियल ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है तो स्टेट बेंच का ऑर्डर ही लास्ट ऑर्डर माना जाएगा. दोस्तों अपील ट्रिब्यूनल में लगाने की का लिमिटेशन पीरियड भी 3 मंथ्स है. आपके पास फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी मीन्स कमिश्नर अपील से ऑर्डर रिसीव हो गया, उसके विद इन 3 मंथ्स आपको ट्रिब्यूनल में अपील लगानी है. ट्रिब्यूनल के पास पावर है 3 मंथ्स तक कंडोनेशन देने की. ओरिजिनल कमिश्नर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास पावर थी 30 डेज की, यहाँ पे 3 मंथ्स की कंडोनेशन तक देने की पावर है ट्रिब्यूनल के पास. जैसे ही ट्रिब्यूनल को अपील मिल जाती है वो सेकंड पार्टी को दे विल राइट द सेकंड पार्टी. दूसरी बात, ट्रिब्यूनल के पास आल्सो पावर है कि वो 50,000 से नीचे के मैटर लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते. अगर वो 50,000 से नीचे के मैटर अगर डिस्कार्ड कर देते हैं तो जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर है वो फाइनल ऑर्डर माना जाएगा. सो दोस्तों जैसे ही आपने ट्रिब्यूनल में अपील लगाई या डिपार्टमेंट ट्रिब्यूनल में गया तो सेकंड पार्टी के पास, रिस्पोंडेंट के पास अपील की इंटीमेशन चली जाएगा. रिस्पोंडेंट क्रॉस ऑब्जेक्शन के डॉक्यूमेंट फाइल करेगा कितने दिनों में, विद इन 45 डेज ऑफ रिसीप्ट ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स वो क्रॉस ऑब्जेक्शन के डॉक्यूमेंट्स फाइल करेगा अपील के पास. और ट्रिब्यूनल के पास फर्दर 45 डेज का कंडोनेशन ऑफ डिले देने का पावर है. सो जैसे ही सेकंड पार्टी अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल कर देगी देन ट्रिब्यूनल विल हियर बोथ द पार्टीज एंड ट्रिब्यूनल विल प्रोनाउंस इट्स स्पीकिंग ऑर्डर. सो ट्रिब्यूनल क्या क्या कर सकता है दोस्तों, पहली चीज, The tribunal, after hearing both the sides, may pass such order as it thinks fit, confirming the order, modifying the order, annulling the decision or order appealed against, or may refer the case back to the appellate authority or to the revisional authority or to the original adjudicating authority with such direction as it may think fit for the fresh adjudication or decision as may be after taking additional evidence if necessary. So ट्रिब्यूनल 3 एडजॉर्नमेंट तक भी अलाउ करता है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं करता. सो दोस्तों फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी से आपको ऑर्डर मिला या फिर रिवीजन ऑर्डर मिला आपको कमिश्नर से, जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसके अगेंस्ट आपके पास 2 ऑप्शन है दोस्तों. या तो आप अपील में चले जाइए कमिश्नर के पास या फिर कमिश्नर के पास ही रिविजन में चले जाइए. मान लीजिए आप अपील में गए तो उसके अगेंस्ट ट्रिब्यूनल में आ गए, रिविजन में गए, रिविजन ऑर्डर के अगेंस्ट भी आप ट्रिब्यूनल में आ गए. सो ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, ट्रिब्यूनल या तो ओरिजिनल ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकता है अपीलेट अथॉरिटी का या रिवीजन ऑर्डर को, या मॉडिफाई कर सकता है, या रिजेक्ट कर सकता है, या रिमांड बैक कर सकता है केस विद द डायरेक्शंस. सो ये ट्रिब्यूनल के पावर्स है। ट्रिब्यूनल स्पीकिंग ऑर्डर देगा जिसमें बताएगा कि उनके क्या फैक्ट्स थे, दोनों पार्टी ने क्या दिया और देन ट्रिब्यूनल को क्या डिसीजन दिया है। दोस्तों इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, हमने देखा कि अपील में क्या होता है, ट्रिब्यूनल में क्या होता है। अब आ जाते हैं प्री डिपॉजिट के ऊपर कि आप अपील में जब केस लगा रहे हैं तो आपको क्या प्री डिपॉजिट पे करना है कमिश्नर के पास, और जब आप ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं तो क्या प्री डिपॉजिट देना है। जब आप फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी में जा रहे हैं दोस्तों तो फॉर्म के अंदर ही, अपील के फॉर्म के अंदर ही सबसे पहले ये पूछा जाता है आपसे कि साहब प्री डिपॉजिट कि आपको क्या अमाउंट डिपॉजिट करना है। सबसे पहले जो अमाउंट आप एग्री करते हैं, जो टैक्स इंटरेस्ट फाइन या पेनल्टी के ऊपर आप एग्रीड हैं, वो पूरा का पूरा आपको जिम्मा करना है। और जिस अमाउंट में आप डिस्प्यूट में हैं उसमें 10% ऑफ टैक्स का अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है। उसके बाद आपकी अपील कमिश्नर अपील में एक्सेप्ट हो जाती है। दोस्तों अगर हम ट्रिब्यूनल की बात करें तो जितना टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी के फाइन के ऊपर आप एग्रीड हैं वो पूरा का पूरा आपको जमा करना है। उसके अलावा जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका 20% आपको जमा करना है, तो आपकी अपील ट्रिब्यूनल में दोस्तों एक्सेप्ट हो जाती है। तो ये प्री डिपॉजिट का रूल है इन कमिश्नर अपील एज वेल एज इन ट्रिब्यूनल। देन दोस्तों बात करते हैं रिविजन ऑफ ऑर्डर बाय कमिश्नर। सो दोस्तों जीएसटी में क्या है दोस्तों कि आपका ओरिजिनल ऑर्डर पास हुआ, ओरिजिनल ऑर्डर पास होने के बाद यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट ऑर्डर, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप कमिश्नर के पास रिवीजन ऑफ ऑर्डर के लिए जा सकते हैं। द जीएसटी एक्ट आल्सो प्रोवाइड्स फॉर द मैकेनिज्म ऑफ रिवीजन बाय द रिविजनल अथॉरिटी ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय हिज सबॉर्डिनेट ऑफिसर इफ द रिविजनल अथॉरिटी ऑन एग्जामिनेशन ऑफ केस रिकॉर्ड्स इज ऑफ द व्यू दैट द डिसीजन और ऑर्डर पास्ड बाय एनी ऑफिसर सबॉर्डिनेट बाय हिम इज एरनिनस इन सो फार एज इट इज प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू एंड इज इलीगल और इम्प्रॉपर और हैज टेकन इनटू अकाउंट मटेरियल फैक्ट्स, ही मे इफ नेसेसरी स्टे द ऑपरेशन ऑफ सच डिसीजन और ऑर्डर फॉर सच पीरियड एज ही डीम्स फिट एंड आफ्टर गिविंग द पर्सन कंसर्न्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड आफ्टर मेकिंग सच फर्दर इंक्वायरी एज मे बी नेसेसरी पास सच ऑर्डर एज ही थिंक्स जस्ट एंड प्रॉपर इंक्लूडिंग एनहेंसिंग और मॉडिफाइंग और अनलिंग द सैड डिसीजन और ऑर्डर। दोस्तों सो दोस्तों रिविजन अथॉरिटी ओरिजिनल ऑर्डर को असेस करेगी और फिर जो सही पाएगी उस हिसाब से डिसीजन दे देगी। द अबव पावर इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नॉन अपीलेबल ऑर्डर एंड डिसीजन कैन नॉट बी रिवाइज। तो स्टार्टिंग में जो हमने देखे थे कि कौन कौन से ऑर्डर नॉन अपीलेबल है उनके अगेंस्ट आप रिविजन में नहीं जा सकते। फर्दर द पावर ऑफ रिविजन कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड इफ द ऑर्डर हैज बीन सब्जेक्ट टू एन अपील बिफोर ए ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अगर वो अपील में जा रहे हैं तो रिविजन में नहीं जा सकते। The period of 6 months have not yet expired or more than 3 years have expired after the passing of decision or order sought to be revised. So दोस्तों पहले 6 महीने और 3 साल के बाद आप रिविजन के लिए नहीं जा सकते। The order has already been taken for revision at earlier stage and the order sought to be revised is a revisional order in the फर्स्ट प्लेस। तो दोस्तों इन सिचुएशन में भी आप रिविजन में नहीं जा सकते। रिविजन ऑर्डर के अगेंस्ट आप सीधा अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। दोस्तों नाउ अपील टू द हाई कोर्ट। द लॉ प्रोवाइड्स दैट आइदर साइड मींस डिपार्टमेंट और पार्टी इफ एग्रीव्ड बाय एनी ऑर्डर पासिस बाय द स्टेट बेंच और एरिया बेंच ऑफ द ट्रिब्यूनल। जैसा हमने डिस्कस किया दोस्तों, नेशनल बेंच का ऑर्डर के अगेंस्ट सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और स्टेट बेंच और एरिया बेंच के अगेंस्ट आप हाई कोर्ट में जाएंगे जहां सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो। सो अपील टू द हाई कोर्ट आर टू बी फाइल्ड विद इन 180 डेज फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर। However, High Court have the power to condone the delay. On being satisfied that the substantial question of law is involved, the High Court shall formulate that question, and the appeal shall be heard only on the question or questions so formulated. However, the High Court have the power to hear the appeal on any other substantial question of law if it is satisfied that the case involves such question. The High Court shall decide the question of law so formulated and deliver such judgment thereupon, containing the ground on which such decision is founded. And may awarded such cost as it deems fit. The High Court may determine any issue which has not been determined by the tribunal or has been wrongly determined by the tribunal by reason of the decision on such question of law. So High Court सिर्फ substantial question of law को pick करेगा दोस्तों और उसी पर judgment deliver करेगा। Now comes to appeal to the Supreme Court. तो High Court की judgment और National Tribunal Bench की judgment के against आप सीधा Supreme Court में आ सकते हैं। Supreme the law provides for appeal to the Supreme Court from the judgment or order passed by the High Court in any case which on its own motion or on an oral application made by or on behalf of the party aggrieved immediately after passing the judgment or order, the High Court certifies to be fit one for the appeal to the Supreme Court. So, High Court will certify that it can go to the Supreme Court, then you can go to the Supreme Court, और आप नेशनल बेंच के ऑर्डर के अगेंस्ट भी आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. और सुप्रीम कोर्ट विल देन चेक द मेरिट्स ऑफ द केस एंड देन विल प्रोनाउंस द अपील. और लास्ट में नॉन अपीलेबल डिसीजंस और ऑर्डर्स, ये सेक्शन 121 है दोस्तों, जो हमने चारों के चारों सिचुएशंस पहले ही डिस्कस कर लिए हैं, जिनके केसेस में आप अपील में ऑर्डर, जिन ऑर्डर्स के अगेंस्ट आप अपील में नहीं जा सकते. तो दोस्तों अब हम देखेंगे फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का फॉर्म, कमिश्नर अपील का फॉर्म क्या है और उसके साथ साथ हम लोगों को दोस्तों क्या क्या लगाना होता है, अब हम वो देखेंगे. सो दोस्तों ये है फॉर्म जीएसटी APL 01, जिसमें आप कमिश्नर के पास अपील लगाते हैं. सबसे पहले दोस्तों समझने की बात यह है कि अगर आपका ऑनलाइन ऑर्डर है तो ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा. मोस्ट ऑफ द फॉर्म प्रीफिल आएगा, उसमें बहुत कम चीज़ें आपको भरनी होती हैं. अगर आपका ओरिजिनल ऑर्डर ऑफलाइन है, जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, तो फिर आपको ये पूरा का पूरा फॉर्म भरना है और इसके साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं. सो दोस्तों ये फॉर्म भरना है, इसके साथ में क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगेगा सबसे पहले हम वो देख लेते हैं. सबसे पहले ग्राउंड्स ऑफ अपील, फिर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, फिर दोस्तों आपका प्री डिपॉजिट का अमाउंट की रिसिप्ट और साथ के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी और कोई डॉक्यूमेंट जो आपको सूटेबल लगता है जो इसके साथ लगना चाहिए. सो लेट्स गो थ्रू दिस फॉर्म. सबसे पहले जीएसटी नंबर, टेम्परेरी आईडी और UIN, देन लीगल नेम ऑफ द एप्लीकेंट, ट्रेड नेम, प्रोप्राइटर के दो केस में दोस्तों लीगल नेम और ट्रेड नेम डिफरेंट होगा, देन एड्रेस, ऑर्डर नंबर जिसके अगेंस्ट आप अपील कर रहे हैं, डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर जिसने ऑर्डर पास किया है, डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर जिस दिन आपको ऑर्डर रिसीव हुआ, और नंबर 8 पर नेम ऑफ द ऑथराइज सेक्रेटरी. अगर आपने किसी को पावर अटॉर्नी दी है तो उसकी पावर अटॉर्नी अटैच करेंगे, अगर आप सेल्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपका नाम आ जाएगा. देन डिटेल्स ऑफ द केस अंडर डिस्प्यूट, ब्रीफ इशू, आपको बताना है कि किस इशू पे आप डिस्कस कर रहे हैं. देन डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विस इन डिस्प्यूट, अगर क्लासिफिकेशन का मैटर है तो वो आप डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. फिर पीरियड ऑफ डिस्प्यूट, किस पीरियड का है दोस्तों, अप्रैल से मई है, किसी पर्टिकुलर मंथ का है, हाफ ईयर का है, फुल ईयर का है, वो आप डिस्क्राइब करेंगे. देन अमाउंट इन डिस्प्यूट, टोटल अमाउंट, टैक्स, पेनल्टी, फीस, अदर चार्ज, सेंट्रल स्टेट इंटीग्रेटेड सेस, सबका आपको अमाउंट जितना भी टोटल डिस्प्यूट में वो आपको यहाँ पर डालना है. देन अगर आपके गुड्स सीज हुए हैं तो मार्केट वैल्यू ऑफ द सीज्ड गुड्स, अगर आप पर्सनल हियरिंग चाहते हैं तो येस, पर्सनल हियरिंग नहीं चाहते, डॉक्यूमेंट सबमिटेड के बेसिस पे अपील ऑर्डर चाहते हैं तो नो. देन दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, ग्राउंड्स ऑफ अपील एंड देन प्रेयर, ये सब आपको साथ में लगाने हैं. देन अमाउंट ऑफ डिमांड क्रिएटेड, एडमिटेड एंड डिस्प्यूटेड, सो टोटल अमाउंट कितनी क्रिएट की है, देन कितनी अमाउंट आप एग्री करते हैं दोस्तों, जो एग्री करते हैं वो आपको जमा भी करनी है. देन कितनी अमाउंट आपकी डिस्प्यूट में है वो आपको बतानी है. देन उसके बाद दोस्तों अगर आपने कुछ पे किया है, जो मैंने आपको बताया था कि पेमेंट करनी होती है, उस पेमेंट की एडमिटेड अमाउंट की डिटेल और डिस्प्यूटेड में से 10% प्री डिपॉजिट की डिटेल आपको यहाँ पे शो करनी है. देन दोस्तों जो आपने पेमेंट की है वो कैश लेजर से किया है या क्रेडिट लेजर से की है, उसकी सारी की सारी डिटेल्स. अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो ये ऑनलाइन सेट ऑफ हो जाएगा दोस्तों, सब कुछ, कोई टेंशन नहीं है. अगर ऑफलाइन है तो आपको यहाँ पर उसको फिर पूरे के पूरे अमाउंट को डालना पड़ेगा. इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस और एनी अदर अमाउंट पेबल एंड पेड, वो आपको सारा का सारा यहाँ पे शो करना है. देन दोस्तों अपील, यू हैव टू स्पेसिफाई वेदर अपील इज बीइंग फाइल्ड आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड, येस और नो मीन्स अपील विद इन 3 मंथ्स आपने फाइल कर दी है या नहीं कर दिया. देन यू हैव टू स्पेसिफाई, अगर डिले है तो उसका साथ के साथ आपको रीजन भी देना है एंड देन सिग्नेचर. तो ये अपील का फॉर्म है दोस्तों, इसके साथ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स ऑफ अपील बनते हैं और ये पूरा का पूरा सेट बन के 3 कॉपीज़ में कमिश्नर अपील के ऑफिस में डिपॉजिट हो जाता है. और फिर आपके पास लेटर आता है जिसमें हियरिंग की डेट होती है, आप जाते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली थिंग्स प्रोसीड्स. सो दोस्तों ये था सब कुछ जीएसटी में अपील एंड रिविजनरी मैकेनिज्म का. आपकी कोई भी क्वेरी है, आपका कोई भी डाउट है, यू कैन कमेंट, यू कैन ईमेल. थैंक यू दोस्तों.